राज्य के दर्जे को लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो गया है। विपक्ष जहां इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेर रहा है, तो वहीं जेडीयू नेता भी इस मामले पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हम विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं और इसमें कोई दिक्कत है तो हम विशेष पैकेज की मांग करते हैं। वैसे विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं, लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा देने में कोई दिक्कत है तो हम लोग विशेष पैकेज की मांग करते हैं, और विशेष पैकेज का अर्थ होता है विशेष सहायता, और उसका केस इसलिए बिहार में बनता है कि आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, और वो कोई बिहार वासियों के कारण नहीं, उसके भौगोलिक और ऐतिहासिक कारण है कि अगर हमारे यहाँ खान खदान नहीं है, समुद्री किनारा नहीं है, तो ये बिहार का दोष नहीं है ना। इस देश के किसी भी प्रदेश के मुकाबले अच्छी गति से तरक्की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब ही बने हैं। यही हमारे, चाहे विशेष राज्य का दर्जा कहिए या विशेष पैकेज कहिए या विशेष सहायता कहिए, इसकी मांग का आधार यही है। विशेष राज्य के दर्जे का सियासी शोर उठा, नीतीश कुमार की पार्टी ने सवाल किए तो बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। इसके लिए जो भी पहल देश में करने की जरूरत होगी करेंगे। विजय सिन्हा को आप भी सुनिए और समझिए उनके बयान और उसके मायने। साहब शब्दों ने कहा कि विकसित भारत बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, और विकसित बिहार के बिना भारत उत्तर नहीं होगा। इसके लिए जो भी पहल देश के अंदर करने की जरूरत है, हर स्टेट को आगे बढ़ाना और आगे बढ़ा वो कार्य किया जाएगा। तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं। विशेष के सवाल पर कांग्रेस की भी एंट्री हुई। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने कहा कि जेडीयू अभी बीजेपी के साथ है और उन्हें अपनी मांग बनवाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। से बढ़कर के विडंबना क्या हो सकती है? जदयू जो है वो बीजेपी के साथ है, और जदयू को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है अपनी मांग पूरी करवाने के लिए। जैसे ही चुनाव हुआ था वैसे ही मोदी जी को ये घोषणा कर देनी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं की है। न बिहार के निवासियों का ख्याल है, जो उनके साथ पलटी मार कर उधर चले गए उनका भी ख्याल नहीं है। ये तो बहुत दुख की बात। फिलहाल आम बजट से ठीक पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की आवाज़ बुलंद हो रही है, लेकिन जब जब सवाल हुए दिल्ली से जवाब भी आया। आपको याद होगा इसी साल महीना मई का था, देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार दौरे पर थी। उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। योगी दल जेडीयू है, जेडीयू का डिमांड रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। आप साथ में हैं, दो बातें आप क्लियर करें। पहली बात कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है देने का, या अगर नहीं है तो क्या ये सिर्फ राजनीतिक शुल्क? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, बोल रहे हैं कि देना है उसका, उसके ऊपर निर्णय। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आपने सुना, ऐसे में क्या मान लिया जाए? लोहा गरम है, लेकिन क्या बिहार को मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? क्या पूरी होगी सीएम नीतीश कुमार की मुराद? इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।